में मारपीट हुई है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों से लगभग 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सीएचसी में भर्ती किया गया है। शहर कोतवाली गंगागंज की पूरी घटना है, जहां दो गुटों में मारपीट के बाद ये खूनी संघर्ष देखा गया। जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई है, जमीनी विवाद था और दोनों पक्षों से लगभग 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेठी की इस वक्त की घटना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में शिवशरण इस वक्त जुड़ चुके हैं अमेठी से, उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट है। शिवशरण, इस घटना को लेकर जमीनी विवाद था? जी शिवानी जी, बिल्कुल बताएंगे कि अमेठी तहसील के ही जो मोहल्ले का मामला है, सुबह सुबह उनके यहाँ एक काम वो निर्माण कार्य चल रहा था घर का, जो कि दरवाजे के सामने एक मैदान बहता है, वहाँ पे दरवाजे वो एक गेट को लगवाने के लिए जैसे मिस्त्री और सारे लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ पे दूसरा पक्ष जो है मामले को विवाद के रूप में बदल देता है, जो कि वहाँ पे विवाद इतना बढ़ता गया कि लोग लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमले करने लगे और जिसमें एक दर्जन लोग करीब घायल हुए हैं, जिनका इलाज सीएचसी अमेठी में चल रहा है और पुलिस मौके पर मौजूद। जो देखिए 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है इस वक्त, उनकी हालत कैसी है और क्या कुछ कार्रवाई की गई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल बताएंगे। पुलिस का कहना है कि हमको तहरीर जैसी मिलती है हम तुरंत आरोपियों को पकड़ेंगे। और हम बात करते हैं, अगर घायल की बात करें, दोनों पक्ष से लगभग एक दर्जन लोग घायल हुए और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, उसका तहसील में चल रहा। दिल्ली से खबर।